जम्मू कश्मीर विधानसभा से पहले घाटी में गरमाया सियासी माहौल। बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, बड़े बड़े दिग्गजों ने खुलकर किया विरोध। कार्यकर्ताओं की भीड़ ने भाजपा अध्यक्ष को घेरा, अब दिल्ली से निकलेगा समाधान। साल बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का बिगुल बज चुका है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि पहले लिस्ट आने के कुछ देर बाद ही पार्टी ने इसे वापस कर लिया है। अब भाजपा ने दो लिस्ट जारी की है, एक पहले चरण की, दूसरी दूसरे चरण की। इन दोनों लिस्टों के आने से पहले जो 44 सदस्यों की एक लिस्ट आई थी, उस पर क्या बवाल मचा, क्या कुछ कहा भाजपा अध्यक्ष ने, और इस वक्त जम्मू कश्मीर भाजपा में क्या कुछ चल रहा है, चलिए विस्तार से बताता हूं। इस साल जम्मू कश्मीर में 3 चरणों पर विधानसभा चुनाव होंगे। पहला चरण 18 सितंबर को होगा, जबकि 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। अगर बात करें भाजपा की, तो यहां पर सोमवार को पार्टी ने 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। लिस्ट सामने आने के कुछ देर बाद ही इस लिस्ट को वापस ले लिया गया था। जम्मू और कश्मीर के लिए भाजपा की पहली लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ था, जिसमें पहले चरण के लिए 15, दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण के लिए 19 प्रत्याशियों के नाम थे। पहली लिस्ट के आने के बाद ही राज्य के बड़े बड़े नेता नाराज हो गए थे। उसके बाद कार्यकर्ता भी बाहर पहुंच गए थे ऑफिस के, और वहां पर धरना प्रदर्शन करने लगे थे। 44 उम्मीदवारों की लिस्ट वापस होने के बाद भाजपा ने दो और लिस्ट जारी की। इसमें पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम शामिल थे, जबकि तीसरे चरण के सभी प्रत्याशियों के नाम वापस ले लिए गए थे। पहले चरण के प्रत्याशियों के नामों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि दूसरी लिस्ट में सिर्फ एक नाम की घोषणा की गई है, वहीं तीसरी लिस्ट फिर से आएगी। तो कह सकते हैं कि पहले चरण के 15 प्रत्याशियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नाम रद्द कर दिए गए, यानी 16 नाम कंफर्म है, बाकी नाम आने वाले वक्त पर भाजपा ऐलान करेगी। अगर बात करें प्रदर्शन की, तो लिस्ट आने के बाद भाजपा जम्मू दफ्तर पर जमकर हंगामा हुआ। टिकट नहीं मिलने से कुछ नेता नाराज हो गए थे और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की ऑफिस के सामने जमकर नारेबाजी हुई। इतना मामला बढ़ गया कि ऑफिस में तोड़फोड़ भी कुछ कोनों पे हो गई है। वहीं कुछ समय के लिए तमाम तरह दावे किए जा रहे हैं कि जो भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना है, उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। चलिए इस पूरे मामले पे क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, चलिए आपको सुनवाता हूँ। कार्यकर्ता मेरे हैं, मेरे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, नौजवान हैं, सबकी इज्जत है, सबकी बात होगी। प्लीज, मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सब साथियों से निवेदन है, हमें अनुशासन में रहते हुए कार्य करना है। अनुशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। मैं सबसे बात करूंगा, एक एक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता से मैं बात करूंगा। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।